मेरा मन हर लिया है, जिसका प्रेम मेरे रोम रोम में बस गया है। बहन शूर्पणखा, मैं तुम्हारे चुनाव की प्रशंसा किए बगैर नहीं रह सकता। मैं भी अपने विचार बदलने पे विवश हो चुका हूं। सत्य ही मानों में श्रेष्ठ है। नहीं, हम यहां किसी प्रकार का कोई युद्ध करने नहीं आए हैं। बस तुम अपना अनुज और अपनी पत्नी हमें दे दो, हम उनका वध कर देंगे और तनिक भी तुम्हें क्षति नहीं पहुंचाएंगे। फिर तुम हमारी बहन शूर्पणखा से विवाह रचा लेना। समस्या ये है कि तुम मानव नहीं हो, राक्षस हो, मानव संस्कारों से पूर्ण रूप से अनभिज्ञ। यदि कोई मानव स्वयं के प्राण बचाने के लिए अपने अनुज और अपनी पत्नी के प्राणों की आहुति दे दे तो धिक्कार है ऐसे मानव पर। ऐसा मानव मानवता का अपमान करेगा। अपने अनुजों और स्त्रियों की रक्षा करना ही मानव का धर्म होता है। किंतु ये सारी बातें आप सब नहीं समझ पाओगे। देखो राम, हम एक बार फिर तुमसे कहते हैं कि हम अपनी बहन के लिए तुम्हें किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं पहुंचाना चाहते। यदि तुमने हमारी बात नहीं मानी तो हम तुम्हें पराजित करके बंदी बना लेंगे। जो कह रहे हो यदि कर सकते हो तो वो भी करके देख लो। आगे बढ़ो और बंदी बना लो इसे। राजा खर और दूसर को इससे निपटने दो, मैं चलकर देखता हूँ इसका अनुज और पत्नी कहाँ है। इसने मेरी बहन शूर्पणखा की नाक काटी, मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। कुछ नहीं भाभी श्री, भय और चिंता की कोई बात नहीं है। गुरुदेव विश्वामित्र की कृपा से मैंने एक राक्षस का वध कर दिया है।
Ha 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 ha